दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। भाई आज की जो वीडियो है इसमें हम जानेंगे कि हमारे कार के इंजन कंपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे पार्टों का पूरे डिटेल में बताऊंगा एंड उसके यूजेस के बारे में भी बताऊंगा आपको। तो मेरे पास आई है महिंद्रा की बुलेरो और ये जो सारे पार्ट आप देख रहे हैं मैं आपको एक एक करके पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले राइट साइड से स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा ये बॉक्स लगा है, ये डिब्बा, ये हमारा कूलेंट का रिजर्वायर है और ये हमारा ये पावर स्टेयरिंग का फ्लूड है इसमें एंड ये हमारा फ्यूज बॉक्स है, आप सभी को मालूम ही है। एंड नीचे यहाँ पे देखिए एक छोटा सा ये ब्लैक कलर का लगा हुआ है, ये हमारा हेडलाइट की रोशनी बढ़ाता है, इसको कटआउट बोलते हैं। और ये हमारा डीजल फिल्टर है एंड बैटरी के बारे में तो आप सभी को मालूम ही है। और अभी इधर आ जाते हैं तो ये हमारा रेडिएटर लगा हुआ है एंड ये उसकी अपर होसेस हैं, इससे कूलेंट जो है वो इंजन से रिवर्स आता है इसमें। एंड ये हमारा एल्बो है, इसके नीचे थर्मोस्टेट वॉल्व लगा रहता है। और ये जो पाइप देख रहे हैं ये हमारी इंटेक की पाइप है, इंटेक मैनिफोल्ड की पाइप। और ये जो चारों आप देख रहे हैं पतली पाइप के साथ में, ये हमारा फ्यूल इंजेक्टर है और उसकी पाइप है। और ये इंजेक्टर की रेल लगी हुई है यहाँ पे, इसको आपके भाषा में और कुछ बोलते होंगे। एंड ये जो दो ब्लैक कलर की पाइप आप देख रहे हैं ये दोनों पाइप हमारी हीटर कूलर में गई हुई हैं, वो अपना पैसेंजर कंपार्टमेंट में हीटिंग बढ़ाने के लिए काम करता है। और अभी आ जाते हैं यहाँ पे, तो इसमें आपको मालूम है यहाँ से ऑयल फिल किया जाता है इंजन में। और ये हमारा EGR लगा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए ये पूरा नीचे से, एंड ये EGR का सेंसर यहाँ पे लगा है और नीचे इसके EGR वॉल्व जो है ये पूरा इससे एक साथ में कनेक्ट है वहाँ तक। और इसके नीचे मैं आपको दिखा दूँ ये हमारा अल्टरनेटर लगा हुआ है और ये आपका क्लच का ऑयल इसमें फिल किया जाता है एंड इसमें आपका ब्रेक का ऑयल फिल किया जाता है। और एयर फिल्टर के बारे में तो आप सभी को मालूम ही है। एंड यहाँ पे देखिए एक जो डिब्बा लगा हुआ है इसमें आपका वाइपर का जो पानी है वो भरा जाता है इसमें। और अभी मैं आपको दिखा दूँ ये जो दो पाइपें लगी हुई हैं ये हमारी एसी की पाइप लगी हुई है यहाँ पे। तो अभी मैंने ज़्यादातर जो है पार्ट सारे वो कवर करने की कोशिश की है ऊपर की, फिर भी कुछ पार्ट बाकी रह गए हैं तो मैं ये वीडियो का पार्ट टू बनाऊंगा, उसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।